शराबबंदी वाले बिहार में थाना में बैठा शराबी कह रहा पीएम भी आ जाए तो। बरबीघा शेखपुरा बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है। शराब पीना और बेचना दोनों कानूनन अपराध है। बिहार में उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार शराबियों पर कार्रवाई की जाती है। बिहार सरकार के हर थाना की पुलिस शराबियों को पकड़ने उस पर कानूनी शिकंजा कसने में लगी रहती है, परंतु बिहार में शराब पीने और शराब का कारोबार करने वालों का मामला थम नहीं रहा है। ऐसे में एक शराबी जब थाना में ही शराब के नशे में झूम बराबर झूम शराबी का ड्रामा करे तो शराबबंदी की पोल खोलने की बात चर्चा में आ जाती है। झूम बराबर झूम शराबी का यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं, यह नज़ारा शेखपुरा जिले के बरबीघा थाने का है। शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना पुलिस ने 3 शराबी को गुरुवार को पकड़ा। इसमें एक शराबी विजय चौधरी मुर्गियाचक निवासी भी था। शराबी को पकड़ने के बाद ब्रेथ एनालाइजर से अल्कोहल की मात्रा मापी जाती है। इसी मात्रा की मापी को लेकर जब शराबी को ब्रेथ एनालाइजर पुलिस लगाने लगी तो शराबी ने खूब हंगामा किया। प्रधानमंत्री को बुलाओ, फांसी दे दो, शराबी ने खूब कहा कि वह खुद शराब पिए हुए हैं तो फूंकने वाले मशीन में क्यों जोर दे रहे हैं, जेल भेज दीजिए, मैं कह रहा हूं कि मैं शराब पी रखा हूं, प्रधानमंत्री को बुलाओ या फांसी दे दो, फूंकूंगा नहीं। हालांकि कानून का हवाला देकर पुलिस प्रयास करती रही कि ब्रेथ एनालाइजर लगाकर शराबी को अल्कोहल की मात्रा मापी जाए, परंतु वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। बिहार में शराबबंदी को लेकर थाना में लगातार इस तरह के उपद्रव के मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि बाद में काफ़ी मशक्कत के बाद शराबी का ब्रेथ एनालाइजर किया गया, जिसमें शराबी को शराब पीने की बात की पुष्टि हुई। फिर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट भेजा गया, जहां पहली बार पकड़े जाने के बाद जुर्माना देकर उसे छोड़ दिया गया। अरे फुको, फुको। एक बार फूक लो, लाठी से मारिए, नहीं फूको, एक बार फूको, जी नहीं।